अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिव्य हिमाचल टीवी फक्र महसूस करता है कि हिमाचल प्रदेश की माता बहनों और बेटियों ने बार बार इस पहाड़ी राज्य का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया। ये साल कई मायने में नारी जगत के नाम रहा, खेल, सेना, शिक्षा, मॉडलिंग या मेडिकल, यानी कोई भी क्षेत्र आप ले लें, महिलाओं ने ही बाजी मारी है। आज महिला दिवस पर महिला साहित्यकारों के माध्यम से महान नारियों के सम्मान में दिव्य हिमाचल वेब टीवी की ये पेशकश। मंडी से वरिष्ठ साहित्यकार रेखा वशिष्ठ जी नारी उत्थान में विचारों और सरोकारों की आजादी का पक्ष लेते हुए पथ प्रशस्त करती हैं। है कठिन मुक्ति का बंधन। मैं यही कहना चाहती हूँ महिलाओं से आज के दिन कि हम जिस मुक्ति के लिए, जिस समानता के लिए ये लंबा संघर्ष करते आ रहे हैं, आज जब हमें ये लग रहा है कि हमें बहुत हद तक ये चीजें मिल चुकी हैं, हम मुक्त भी स्वयं को महसूस करती हैं। शिमला से वरिष्ठ लेखिका विद्यानिधि का मानना है कि घर और समाज को महिला अपने दम पर विकास पथ पर ले जा सकती है। महिला के मन में सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता ही छीन लेना सरासर गलत है। महिला को बाजार, सत्ता और राजनीति में अपनी खुद की राय कायम करने की जरूरत है, क्योंकि यह दिवस नारी अस्मिता के संघर्ष का प्रतीक है और स्त्री पुरुष की समानता का उत्सव है। कितनी अद्भुत बात है कि कई सदियों की चुप्पी के बाद तकरीबन 200 साल पहले ही स्त्री ने बोलना शुरू किया है, सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में नहीं, औरों की जिंदगी के बारे में भी। घर, परिवार, समाज, देश, सत्ता, राजनीति, व्यापार, विज्ञान, अंतरिक्ष, इन 200 सालों में उसने हर जगह अपनी जगह बनाई है। कांगड़ा की जानी मानी वरिष्ठ लेखिका व साहित्यकार चंद्र रेखा डडवाल की ये कविता सुनिए। कैसे एक अवोध बालिका की शिक्षा दीक्षा घर से शुरू होती है, ताकि वह समाज में स्वयं को एक स्तंभ की तरह स्थापित कर सके। बहुत छोटी थी तो दादी कहती थी, नीम की दातुन कर, हंसेगी तो फूल झड़ेंगे। बहुत छोटी थी तो दादी कहती, नीम की दातुन कर, हंसेगी तो फूल झड़ेंगे। बहुत छोटी थी तो दादी कहती, नीम की दातुन कर, हंसेगी तो फूल झड़ेंगे। दूध मिला बेसन मल गालों पर, नूर टपकेगा, हंसकर ले जाएगा कोई परदेसी। औरतों के मुकद्दर की खासियत और उनकी जिंदगी को कैसे कोई पढ़ सकता है, शायद नलिनी विभा से बेहतर कोई बयां नहीं कर सकता। हमीरपुर की रहने वाली विविध विधाओं की जानकार साहित्यकार नलिनी जी को सुनिए। इल्मियत कितनी भी हो पर जिंदगानी एक है, इल्मियत कितनी भी हो पर जिंदगानी एक है, औरतों के भी मुकद्दर की कहानी एक है। उसकी अपनी शख्सियत को कब है पहचाना गया, उसकी अपनी शख्सियत को कब है पहचाना गया, उसको वालिद या पति के नाम से जाना गया, नौकरी भी की रही मसरूफ, घरदारी में भी कुल चलाया, फिर भी दर्जा दूसरा माना गया।